आंसर है। मुझे पता था कि मुझे इतने कार्टून नहीं देखने चाहिए थे। अब क्या होगा? ज़ैनब, सब ठीक है? जी टीचर, सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट दिया आपने। बस एक ही दफा की है, इतनी भी बुरी बात नहीं, आइंदा नहीं करूंगी। उफ, ये क्या हो गया? क्या हुआ ज़ैनब, परेशान हो? चलो आओ, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाऊं। आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। आओ मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं। क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। कायदे, क्या हो रहा है? लोग ये कैसे कर सकते हैं? ज़ैनब, कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहाँ कोई गलत काम करना बहुत आसान लगता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई पूरे मुआशरे में फैल जाती है, और फिर ये बुराई ही नहीं रहती। नहीं ज़ैनब, पाकिस्तान बनाते वक्त ऐसे बहुत से मौके आए जहाँ पे मैं आसान रास्ता चुन सकता था। अगर मैं चाहता तो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान बनाने का इरादा छोड़ सकता था। मैं समझी नहीं। ज़ैनब बेटा, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहाँ वक्ती फायदा ही तुम्हें पुरकशिश लगेगा, मगर तुमने उस वक्त कमजोर नहीं होना और सही रास्ते पर डट के रहना है। ज़ैनब, मेहनत का कोई मुतबादल नहीं। ये क्या है ज़ैनब? टीचर, आपने टेस्ट के दिन की रात दिया था और फिर मैंने इससे चीटिंग कर ली। मुझे पता है मैंने गलती की और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा अगर कायदे ऐसे करते तो पाकिस्तान ना होता, और अगर मैंने एक दफा समझा कि ये ठीक है तो आईना भी मैं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी टीचर। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हें जीरो देना पड़ेगा? यस टीचर। अब जाओ और आईंदा कभी ना होने देना। ज़ैनब, तुमने आज एक बहुत मुश्किल काम किया है जो बहुत से पाकिस्तानी नहीं कर सकते, अपनी गलती का इतराफ। ये जो तुम्हारा जीरो है ना, तुम्हारे परफेक्ट स्कोर से मेरे लिए ज्यादा है। आई एम प्राउड ऑफ यू।